दिखाए साफ संदेश बीजेपी की तरफ से। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की तरफ से लगाया गया पोस्टर और पोस्टर में साफ संदेश दिया गया, अजय राय को बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री का चेहरा। देश प्रदेश बोल रहा है, हाथ है साथ आए कांग्रेस की तरफ से। पोस्टर लगाया गया, पोस्टर में लिखा 2024 में राहुल, 2027 में राय, 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी एक्टिव हो गई है। तो देखिए ये पोस्टर और पोस्टर आपके सामने, और इन पोस्टर में आप देख सकते हैं 2024 में राहुल, 2027 में राय। उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक दल अपने हिसाब से 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से ही जो पोस्टर हैं उनको भी जारी करने का काम शुरू कर चुके हैं। बीते दिनों समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर देखा गया जिसमें अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाया गया। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के भी प्रदेश कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि जिसमें साफ तौर पर 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और 2027 में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय को मुख्यमंत्री के तौर पर दर्शाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के ठीक बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि 2024 में राहुल और 2027 में राय, देश प्रदेश बोल रहा है, हाथ के साथ आए, यानी जो हाथ कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है उसके साथ लोगों से जुड़ने की अपील की जा रही है। जो मुद्दे हैं वो भी साफ तौर पर पोस्टर में दर्शाए गए हैं कि रोजगार, किसानों को MSP, OPS, महिला आरक्षण तुरंत लागू होगा, जातिगत जनगणना, वृद्धा पेंशन, ये तमाम मुद्दे हैं उनको भी दर्शाया गया इस होल्डिंग में। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने पोस्टर लगाया, जिन्होंने ये होल्डिंग लगाई है, उनकी भी फोटो इसमें लगी हुई है। ऐसे में फिलहाल अभी इसको लेकर के चर्चा और सियासत एक बार फिर से लोगों के बीच में चर्चा शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से सीटों का आवंटन नहीं हो पाया है, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी तरफ से अपने नेता को जरूर दर्शा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।